नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। गोपालगंज जिले के क्यूआईटी बी टीम और कुचायकोट थाने के पुलिस ने संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र के दलिया गांव के समीप एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 क्विंटल 80 किलो गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गांजा तस्कर बूढ़ी दलिया गाँव निवासी दीनानाथ यादव के पुत्र रामदयाल यादव बताया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार गांजा तस्कर से पूछताछ कर रही है, जिसकी जानकारी गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने दी। जब वही इस पूरे गांजा और गांजा तस्कर के पकड़ने और गांजा के बरामदी के बारे में सदर एसडीपीओ प्रांजल से बात किया गया, तो आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या बताए। थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गांजा का भंडारण भी किए हुए हैं और साथ में उसका परिवहन भी कर रहे हैं। इसी संबंध में कुछ हाईकोर्ट थाना अध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर रेड किया गया, जिसमें कि भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जो कि लगभग 1.5 क्विंटल से के आसपास है। इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान इसमें जारी है। तस्कर भी गिरफ्तार में इसमें आगे की जो भी कार्रवाई होगी इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो आपने सुना कि सदर एसडीपीओ प्रांजल इस गांजा बरामदी और गांजा तस्कर की गिरफ्तारी के बारे में क्या बताए। कुचायकोट थाने के पुलिस ने इस गांजा तस्कर से पूछताछ कर रही है और इसको न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं गांजा और कार को जब्त कर लिया है, जिसकी जानकारी कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने दी। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।